अजमा बुखारी कहती हैं सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मरियम नवाज के खिलाफ नाजेबा वीडियो जारी की जाती हैं। एक सियासी पार्टी के लोगों ने बार बार तस्वीर को ट्वीट किया। हिना परवेज भट्ट, सानी आशिक और मरियम औरंगजेब के खिलाफ नाजेबा वीडियोज फैलाई गई। 9 मई की दहशतगर्द दो बहनें हीरोइन बन गई। दहशतगर्द बहनों को मजलूम बनाकर अदालतों में पेश किया जाता है। मजीद उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई करते हैं लेकिन आगे बढ़ने नहीं दी जाती। अदालत बताए क्या इंसाफ सिर्फ पीटीआई के लिए है। वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियां हैं। कौम की बेटियों ने 9 मई किया है, क्या फर्क पड़ता है। मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है, मरियम औरंगजेब कौम की बेटी है, सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है। हिना भट्ट कौम की बेटी है, मैं कौम की बेटी हूँ। हमें इंसाफ कौन देगा। इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है। मैं इंतजार करूंगी जी, मैं यही बैठी हूँ, मैं इंतजार करूंगी और टाइम देखूंगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूंगी। यहाँ पे अदालती टाइम खत्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशन लगती है। आज मैं इंसाफ का दरवाजा खटखटा के आजमाने आई हूँ, क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है या तरीके इंसाफ के लिए है।